वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 9वीं वर्ग की जो एग्ज़ाम होने जा रही है अगले मंथ में, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टॉपिक हमको पढ़ना है, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे स्कोर्स कर सकें। तो आज मैं हिंदी का पहला जो हमारा क्षितिज है, जिसका भाग एक का जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें से चैप्टर नंबर 5 जो है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका या कवि हम कह सकते हैं चपला देवी है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न हो या लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में उसको आपके समक्ष रखने प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है कि नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, पाठ में किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कथा है, तो ये 1857 से है। दूसरा प्रश्न है, नाना साहब का नाम क्या था, तो नाना साहब का नाम दुधुपंत था, दुधुपंत। नाना साहब का क्या लूट लिया गया, नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया था। अगला प्रश्न है लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बालिका मैना ने सेना पति हे को कौन कौन तर्क देकर राजमहल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, तो बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नांकित तर्क देकर राजमहल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पहला दिया गया है कि इस जड़ पदार्थ महल में आपका कोई अपराध नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसका विध्वंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं, मैं भी उन्हें दोषी मानता हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ और वह यहाँ आया करती थी, तब आप भी यहाँ आते थे। अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती है तथा अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे, मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना को बहुत प्रिय था, अथवा उसे बचाना चाहती थी, अंग्रेजी से नष्ट कर देने पर तुले हुए थे, क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज़ को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना साहब से था। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने क्या कारण थे, पहले तो सर टॉमस हे नाना साहब के महल को तोड़ देना चाहते थे, पर बाद में वे नाना की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे, इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मैना उसकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी, उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था, मेरी उस मकान में आती जाती थी, खुद ही भी वहाँ बराबर आते थे, वे मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे, मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ की से लिखी हुई चिट्ठी सुरक्षित थी, इन सब बातों से जनवरी ही भावुक हो उठे और उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया। बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं हैं, वर्णन करें। पहला दिया हुआ है साहस, बालिका मैना साहसी है, वह अंग्रेज चैनल से तनिक भी भयभीत नहीं होती। दूसरा, तर्कशील, बालिका मैना तर्क करना खूब जानती है, वह जनरल है कि समूह खूब तर्क करती है, उसे प्रभावित भी कर लेती है। खा गाँव में है दिया भावुक, बालिका मैना भावुक को अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है। मातृ बलिदानी, मैना कानपुर के मेले से अपना अमर बलिदान दे देती है। अगला प्रश्न हमारा है, सेनापति है ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। सेनापति है ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नांकित प्रयास किए, उन्होंने जनरल आउटरम से विनती की कि मैना तथा विटुर के राजमहल को बचा लिया जाए, उन्होंने जनरल रॉल्ट कैनिंग को इस विषय पर तार संदेश भी भेजा था। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके, मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे कि उसका दिल हल्का हो
हल्का हो जाए, परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा ना किया। उन्होंने मैना को तुरंत हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया। निम्नांकित गद्यांश को पढ़े हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेज का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसने बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब के माल को भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपे लगाए, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह माल लूटने के समय वह बालिका वहाँ ना कहीं दिखाई ना दी थी। पाट और लेखिका का नाम लिखे। पाट का नाम नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेखिका का नाम चपला देवी। अंग्रेजों का सैनिक दल कब और कहाँ गया? अंग्रेजों का सैनिक दल कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के पश्चात नाना साहब के निवास स्थान बिठूर की ओर गया। वहाँ जाकर उस दल ने क्या किया? तो बिठूर पहुंचकर अंग्रेजों के सैनिक दल ने नाना साहब के माल को लूट लिया। यद्यपि उन्हें माल में लूट की लूट में बहुत कम संपत्ति हाथ लगी, अंग्रेज सेनापति के किस बात पर आश्चर्य हुआ? क्यों? अंग्रेज सेनापति है को बरामदे में अचानक आई सुंदर बालिका को देखकर आश्चर्य हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि वह लूट के समय वहाँ नहीं दिखाई दी थी। तो आज मैंने आपके समक्ष जो ये नाना साहब की पुत्री को चलाकर भस्म कर दिया गया, जैसे चैप्टर है चपला देवी का, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने उसको आपके समक्ष रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।